Hi guys, so let's move on to the next question. Question number 4, page number 107. So the question is, what is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph? हमसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं फ्रॉम द एरिया जो ऑक्यूपाइड है बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, सो देखिए सबसे पहले मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करूंगी फॉर अ यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी. यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी का मतलब है कि वो एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मूव कर रही है. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक सार. ठीक है, तो अगर वो एक डायरेक्शन में जा रही है तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगी, ना वो इधर मुड़ेगी ना वो इधर मुड़ेगी. सो मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ फॉर यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी, उससे आपको कुछ पिक्चर क्लियर होगी. देखिए वेलोसिटी को मैंने लिया है वाई एक्सिस पे और टाइम को मैंने लिया है एक्स एक्सिस पे. ठीक है, अब देखिए यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडीज का मतलब है कि टाइम के जैसे जैसे टाइम बीतेगा उस पर्टिकुलर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी. यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी का मतलब क्या हो गया कि टाइम के चेंज होने पे जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो सेम है. जैसे जैसे टाइम बीत रहा है उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो सेम है, तभी तो मैंने बोला यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी है ना. तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनेगा ऐसे, और इस एरिया को आप शेड कर दीजिए, ये एक शेडेड रीजन है. ठीक है, यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी का मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए वो एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि जो ये स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के. सॉरी. ठीक है, सो सपोज कीजिए यहां पर टाइम टी है और ये वेलोसिटी बी है यहाँ पे. ठीक है, अब देखिए ये ग्राफ जो है ये शो कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी. यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी. ठीक है, लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम टी बी वी. ठीक है, लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम टी बी वी. हमने सपोज कराया है कि जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी टाइम टी पे, इस टाइम टी पे एक मूविंग बॉडी की, एक यूनिफॉर्म मूविंग बॉडी की वेलोसिटी हमने क्या एज्यूम किया है? वी. तो इस टाइम टी पे एक मूविंग बॉडी की जो वेलोसिटी है वो है वी. ठीक है, सो लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम टी बी वी. वेलोसिटी का मतलब तो आप समझते हैं आप, वेग, किसी निश्चित दिशा में गति को, किसी निश्चित दिशा में गति को हम कहते हैं वेग. किसी निश्चित दिशा में गति को कहा जाता है वेग. ठीक है, सो इट्स फाइन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एरिया क्या होगा? एरिया ऑक्यूपाइड क्या होगा? देखिए दिस इज जो ये शेडेड रीजन है, दिस इज द एरिया ऑक्यूपाइड. जो ये शेडेड रीजन है, मूविंग बॉडी का आपने देखा वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है टाइम एक्सिस के, टाइम टी पे वेलोसिटी भी मेजर हुई है. तो दिस इज द एरिया अंडर द कर्व. ये एरिया है अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये एक एरिया है अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट इज द एरिया. सो एरिया ऑक्यूपाइड कितना है? इट एरिया ऑक्यूपाइड इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, लेंथ हमारी क्या है? टाइम. लेंथ क्या है? दिस इज लेंथ, सो इट इज टी. और ब्रेथ क्या है हमारी? ये है लेंथ है हमारा, ये टाइम टी
और ब्रेथ है हमारी वेलोसिटी वी। सो एक तरह से एरिया क्या हो गया हमारा, एरिया हो गया वी टी। और आप सभी को एक चीज मैं बता देती हूँ कि आप सभी ने एक चीज नोटिस भी की होगी जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इस इक्वेशन से क्या निकल के आ रहा है कि डिस्टेंस जो है वो इक्वल्स टू है वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्विवेलेंट। हमने एक चीज पढ़ी हुई है मैथमेटिक्स के अंदर कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर ये इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए और इसको मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करूं तो एरिया क्या है वी टी, डिस्टेंस क्या है वो भी क्या है वी टी, डिस्टेंस भी वी इंटू टी है और एरिया भी वी इंटू टी है। तो एक तरह से मैं यहां लिख सकती हूं कि एरिया जो है वो इक्वल्स टू हो गया डिस्टेंस के, एरिया इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। दैट मीन्स एरिया ऑक्यूपाइड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड। जितना एरिया ऑक्यूपाइड किया गया है वो किसके इक्विवेलेंट है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया है, जितना पाथ कवर किया है, वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, वो एरिया ऑक्यूपाइड के इक्विवेलेंट। ये एरिया ऑक्यूपाइड है हमारा, दिस इज एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो ये एरिया ऑक्यूपाइड किसके इक्विवेलेंट हो गया, डिस्टेंस के। और ये कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो एक बॉडी ने कवर किया है, जो एक बॉडी ने चला है। सो एरिया इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। सो आंसर क्या हो जाएगा, लिखिए नोटबुक के अंदर, मैं डिक्टेट करती हूँ। एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो एक तरह से व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया, सो डिस्टेंस इज द क्वांटिटी। लिखिए डिस्टेंस इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो जो जो चीजें मैंने आपको बोली हैं, बहुत आराम से बोली हैं, उनको एज इट इज अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा, इसको भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा, एंड आई फील आपको आंसर मिल जाएगा। मेरा काम था आपको समझाना और क्वेश्चन को किस तरह से नोटबुक में लिखना है वो बताना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑन द नेक्स्ट पेज।